नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, टोटल टीवी का सबसे सटीक एग्जिट पोल, सभी 90 सीटों पर टोटल टीवी का एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, जहां बीजेपी को 29 से 35 सीट मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को 42 से 52 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। नेलो को 0 से 2 सीटें और अन्य की बात करें तो 2 से 7 सीटें मिल सकती हैं। जेजेपी और आपका खाता भी नहीं खुला। 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी के जो संकेत साफ तौर से नजर आ रहे, एक बार फिर से हरियाणा की जनता कांग्रेस पर भरोसा करते हुए नजर आ रही है। ये संकेत एग्जिट पोल के जरिए निकल के सामने आ रहे। बीजेपी के हाथ सिर्फ सत्ता जो है हरियाणा की, वो फिसल सकती है। तो ये बड़ी जानकारी एग्जिट पोल के जो आंकड़े निकल के आए हैं उससे साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक बार बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल सकती है। 10 साल बाद कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में वापसी कर सकती है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार नजर आ रहे। बीजेपी को जहां 29 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस को 42 से 52 सीटें मिलने के आसार साफ तौर से देखने को मिल रहे हैं। इनेलो को 0 से 2 सीटें और अन्य को 2 से 7 सीट मिल सकती हैं। जेजेपी और आपका खाता भी नहीं खुला है। और एग्जिट पोल में और 10 साल बाद अगर बात करें तो कांग्रेस की वापसी के जो संकेत वो साफ तौर से नजर आ रहे हैं। तो फाइनल रुझान आप तक पहुंचवा रहे, जहां बीजेपी को 29 से 35 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 42 से 52, INLT को यहां पर सीटें मिलती हुई 0 से 2 नजर आ रही। जेजेपी आपका खाता नहीं खुला। अदर को 2 से 7 सीटें मिलने की जो उम्मीद है वो नजर आ रही है। फिलहाल जो ये फाइनल रुझान है, और ये आपको बताते चले कि जो फाइनल रुझान है वो दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, और जहां तक नजर आ रहा है इन रुझानों के जरिए देख सकते हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है, उम्मीद है। और बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती हुई दिख रही है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े को कांग्रेस छू रही है।